हाई ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर टूडे सेशन. यार, आज के सेशन में हम एक थ्री मार्कर नंबर थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक पोटेंशियल क्वेश्चन है IUQM में आने के लिए. एटलीस्ट कॉन्सेप्ट IUQM में सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आ सकता है. ठीक है, तो देखो, थ्री मार्कर और फाइव मार्कर में, एंड इनफेक्ट थ्री मार्कर और टू मार्कर में भी एक थिन लाइन होती है. ऐसा नहीं है कि थ्री मार्कर का क्वेश्चन फाइव मार्कर में या वाइस वर्सा थ्री मार्कर का टू मार्क्स में आ नहीं सकता. ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का, आइडल लेवल इसका. बट यस, IUQM में फाइव मार्क्स का भी आ सकता है. टू मार्क्स में आते तो टू मार्क्स में काफी टफ होगा, है ना? तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन कह रहे कि मैरी चूज एन इवन फोर डिजिट नंबर एन. शी रोट डाउन ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? तो वन टू एंड सो ऑन, एन बाय टू एन. एट सम मोमेंट मैरी रोट 323 एज अ डिवाइजर ऑफ एन. So what can be the smallest possible value of the next divisor written to the 323? तो बेसिकली एक इवन फोर डिजिट नंबर है n, ठीक है, जिसके डिवाइजर को हमने लिस्ट डाउन किया. ऑब्वियसली सबसे पहला डिवाइजर 1 होता है, सबसे बड़ा डिवाइजर n होगा. ठीक है, मेक सेंस. इवन है तो सेकेंड डिवाइजर शुड बी 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट, एंड ऑब्वियसली सेकेंड लार्जेस्ट शुड बी n बाई 2. बाकी के डिवाइजर्स इनके बीच में होंगे. ये क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जो कि लॉजिकल है. एंड एट सम टाइम इसने, मैरी ने क्या किया, बीच में कहीं पर 323 भी एक डिवाइजर लिखा. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि भैया, इसके बाद वाला जो डिवाइजर होगा उसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. तो अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं ट्राई किया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन ट्राई दो. होपफुली क्वेश्चन का मतलब क्या वो समझ में आ गया होगा, है ना? तो एक बढ़िया तरीके से इसको क्वेश्चन को ट्राई करो यार. नहीं होते तो ऑब्वियसली यू कैन वॉच दिस सॉल्यूशन. ठीक है, तो मैं अभी इस सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ. ठीक है, देखो, अब हमें नहीं पता कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा. पहले तो अब हम 323 को देखते हैं. 323 क्या चीज़ है? क्या ये प्राइम नंबर है? पता नहीं. 323 के साथ हमें एक चीज़ समझ में आती है, जो 324 होता है ना. 324 हमें पता है कि वो 18 स्क्वायर है. मतलब ये नंबर्स को देख के जो दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए वो समझ में आता है ना. तो 323 को आई कैन राइट 324 माइनस 1, तो और ये बन जाता है 18 स्क्वायर माइनस 1. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो 18 माइनस 1 टाइम्स 18 प्लस 1, तो 17 और 19 ये 323 के फैक्टर्स बन जाते हैं. तो जिसको 17 या 19 का, जिसको बेसिकली टेबल्स याद हैं, ऑब्वियसली 20 तक अगर किसी को याद है तो उसको 323 स्ट्राइक कर जाएगा. एल्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट यहाँ 324 माइनस 1 से आप देख सकते थे कि 323 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो ये तो 323 के बारे में था. बट हमें क्या चाहिए? अपने को तो चाहिए था भैया कि जो नेक्स्ट डिवाइजर है उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगी. क्या वो कोई एक प्राइम नंबर होगा या क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं है. ठीक है, देखो, अब दो चीज़ें हैं. लेट से इससे जो नेक्स्ट डिवाइजर है उसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ. ठीक है, लेट्स एज्यूम द नेक्स्ट डिवाइजर एज एम. ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं. या तो 323 और इसका कुछ GCD होगा. ठीक है, या तो GCD 1 होगा या फिर GCD 1 नहीं होगा. दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं. सेकेंड पॉसिबिलिटीज, इनका GCD इन 323 और एम में GCD या तो 1 होगा या 1 नहीं होगा. ठीक है, अगर मान लो 1 है, अगर 323 और नेक्स्ट डिवाइजर का GCD 1 है, तो सोच के देखो, 323 भी n का एक डिवाइजर है और m भी n का एक डिवाइजर है. तो n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 323 मल्टीप्लाइड बाय m होगा. मेक सेंस? क्योंकि देखो ना, m भी 320 n का एक डिवाइजर है और 323 भी n का एक डिवाइजर है, और मेरे केस 1 में 323 और m में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, GCD उनका 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब n जो है वो एटलीस्ट इनके प्रोडक्ट से तो बड़ा ही होना चाहिए या बराबर हो सकता है. बट क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं डिवाइजर्स को, तो m ऑब्वियसली 323 से तो बड़ा ही होगा. ठीक है, अगर m 323 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाली जो चीज़ है वो 323 स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, और 323 स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी, इज नॉट, 323 स्क्वायर इज नॉट अ फोर डिजिट नंबर. ये फोर डिजिट नंबर तो डेफिनेटली नहीं है. बट मुझे क्या चाहिए था, मेरा जो नंबर है वो एक फोर डिजिट नंबर होना चाहिए. तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? इसका कंक्लूजन निकला कि भैया, GCD ऑफ 323 और M का जो नेक्स्ट डिवाइजर है उसका GCD 1 नहीं हो सकता. ये वाला केस हो गया हमारा रिजेक्ट. इनका कुछ ना कुछ GCD होना चाहिए. ठीक है,
अब मैं अब इस केस को दोबारा लिख रहा हूँ, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, जो एम नेक्स्ट डिवाइजर था उसका और 323 का कुछ ना कुछ जीसीडी होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, वन नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा 323 हमारा क्या था, वो 17 times 19 आया था, है ना, यही हमने फैक्टर्स निकाले थे। अब अगर 323 और एम का कुछ जीसीडी है, अगर 323 और एम का कुछ जीसीडी है, तो वो या तो 17 हो सकता है, या वो 19 हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, या वो 17 times 19 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो 323 और M का GCD 17 है, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, किसकी, नेक्स्ट डिवाइजर की, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 17 डिवाइजर लेता हूँ तो 323 + 17 यानी कि 340 लिख सकता हूँ, ठीक है, इनका GCD कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अगर मैं 19 GCD रखता हूँ तो ये 323 + 342 बन जाएगा, बट इस केस में GCD 19 है, ठीक है, रखने को मैं जीसीडी 323 भी लिख सकता था, तो 323 + 646 बन जाएगा नेक्स्ट नंबर, अब जीसीडी क्या आ जाएगा, 323। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अपने को स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नेक्स्ट डिवाइजर चाहिए थी, तो वो ऑब्वियसली कितनी बन रही है, 340 बन रही है, ठीक है। तो 340 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट डिवाइजर की। होपफुली यार ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा, और देखो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट कॉमन है ये, 3 marks में थोड़ा सा और क्वेश्चन का टफनेस बढ़ाकर इसको 5 marks में भी पूछा जा सकता है, या मे बी थोड़ी सी टफनेस डिक्रीज करके सिमिलर से क्वेश्चन को 2 marks में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर आप में से जो बच्चे IUQM की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यार IUQM का फॉर्म निकला हुआ है, 8th of September को पेपर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करो IUQM के लिए। और अगर आप IUQM के लिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर वेदांतों में वी आर स्टार्टिंग एन IUQM कैम्प, जो कि अभी बस रिसेंटली 6th of August से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हम ढेर सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं 2 marks, 3 marks और 5 marks वाले क्वेश्चंस की। एंड ट्रस्ट मी, IUQM पेपर का सबसे अच्छा प्रैक्टिस उसके मॉक टेस्ट देकर होते हैं। यहाँ पर हम 10 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं IUQM कैम्प में, ठीक है, एंड दिस बैच इज कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, चाहे आप वेदांतों के इंटरनल स्टूडेंट हो, चाहे आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, दिस बैच इज कम्प्लीटली फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिलअप द गूगल फॉर्म, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और इस कैंप का पार्ट बन सकते हो। बस हाँ, डिटेल्स करेक्ट फिलअप करना, बिकॉज हमारी टीम इसको वेरीफाई करेगी, एंड अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट हुई तो आपको इस बैच में एनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको वैकेंट से मेल भी आ जाएगा, एंड आपके वेदांतो पोर्टल पर आपको क्लासेस भी, सेशंस भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो और उसको फिलअप करो, अगर आप अभी तक इसका पार्ट नहीं बने हो। ट्रस्ट में ये कैंप बहुत अमेजिंग होता है, अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट हर स्टेट से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड एक आपको हेल्दी आइडिया लग जाएगा, एक डिसेंट आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपके कितने एग्जैक्टली चांसेस हैं आपके IUQM क्लियर करने के या नहीं, और एग्जैक्टली IUQM में आपका कितना स्कोर आने वाला है। एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है इस कैंप में, ठीक है, और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस कैंप में कराने वाले हैं, राइट। एंड इनफैक्ट अभी मतलब रिसेंटली मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे सेशन लूँगा 3 marks और 5 marks के क्वेश्चन के, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।